ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतलेश्वरते भक्तिवेदांत स्वामिनी की नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। तो हम भागवतम में जो पास्ट टाइम्स है उनसे क्या सीख ले सकते हैं, इस तरह से हम कुछ सेशंस लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कथा है देवहूति की। देवहूति बिल्कुल आइडियल वुमन है जो भागवतम में समझाई गई है। उनका चरित्र के जीवन दर्शाया गया है। भागवतम में जितनी भी इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, तो कोई सामान्य रूप से देखे तो लगेगा कि कहानियां हैं जैसे रामायण महाभारत में है, पर भागवतम में एक अंतर है कि सब कथाएं भगवान और भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो हमें बहुत अनेक अनेक शिक्षाएं सीख और शिक्षा मिलती है भागवतम की पन्नों में, और खास करके जो शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो इस तरह से हम देवहूति के जीवन के बारे में अगले कुछ सेशंस में देखेंगे। तो उसका आरंभ होता है कि किस प्रकार देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हुआ। तो ये थर्ड कैंटो में चैप्टर्स 21 और 22 में है। तो कुछ हम मतलब हम देखेंगे कैसे उनके जीवन होता है और उसमें से क्या हम सीख सकते हैं। तो यह कथा शुरू होती है जब ब्रह्मा जी कर्दमा मुनि को आदेश देते हैं कि उनको संतान उत्पन्न करनी है। तो कर्दमा मुनि ये नहीं करते कि तुरंत विवाह कर लेते हैं। वो सरस्वती नदी के तट पे 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर 10,000 वर्ष के बाद भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं। तो तब बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए कर्दमा मुनि, और फिर उनसे प्रसन्न होके वो बोलते हैं कि अवश्य तुम्हें जिस पत्नी की अभिलाषा है वो तुम्हें प्राप्त होगी। तो पहला वर्स जो हम देखेंगे वो है थर्ड कैंटो 21 चैप्टर और वर्स 27। तो उसमें स्वयं भगवान कर्दमा मुनि को बोलते हैं कि वो बता रहे हैं कि स्वयं भुवा मनु की एक बहुत सुंदर कन्या है और वो कर्दमा मुनि की पत्नी बनने योग्य है। उनकी एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुकूल हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। तो भगवान स्वयं कर्दमा मुनि को बता रहे हैं किसके बारे में, स्वयं भुवा मनु की पुत्री देवहूति के बारे में। अब तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी
अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुकूल भी है या नहीं। काम पपीसा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुकूल वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप में वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती है। तो इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने अरेंज मैरिज सिस्टम के बारे में बताया है कि यही वैदिक संस्कृति है कि माता पिता वर को वर खोजते हैं और निर्णय लेते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो जब कोई भी लड़का या लड़की इतने उम्र में नहीं होते, उनको तजुर्बा नहीं होता, एक तो वो है कि उनको इतनी जानकारी नहीं होती, और दूसरी बात है कि वो उम्र ही ऐसी होती है कि उस उम्र में लड़का और लड़की में आकर्षण बहुत होता है, तो वो इतने ध्यान से सब नहीं सोचेंगे कि उनका कैसे गुण हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। वो हो सकता है गलत चीजों पे ध्यान देके अपना चुनाव कर ले। अब इस में हम देखेंगे कि देवहूति ऐसी नहीं थी, पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामान्यता ज्यादातर लड़का लड़की को अगर पूरी छूट दी जाए तो वो शायद सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह सही चुनाव करें। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस्कॉन में कई बारी माता पिता यह उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते, और पाश्चात्य देश में खासकर, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? तो तब भी उनको कोई सीनियर गृहस्थ हो या कोई बुजुर्ग हो जिनसे वो थोड़ा जानते हैं, मंदिर में संपर्क में है, तो अगर कोई ऐसी माता जी हैं जो विवाह की करने की उम्र में हैं और वर ढूंढना चाहती हैं, तो तब भी यह सबसे अच्छा नहीं है कि वो स्वयं बाकी प्रभु से या किसी पुरुषों से बातचीत करें और निर्णय लेने का प्रयास करें कि कौन उनके लिए सही रहेगा। वो फ्रॉम अ डिस्टेंस दूर बैठ के भी देख सकते हैं कि यह अच्छे भक्त हैं, प्रतिदिन मंदिर आते हैं या सेवा बहुत करते हैं, और फिर वो किसी से बात कर सकते हैं कि क्या इनके साथ मेरे विवाह का विवाह की बात कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि यह वैदिक पद्धति है कि, और बहुत अच्छे से शिला प्रभुपाद ने बताया दैट गर्ल्स आर नेवर सेंट ऑन द स्ट्रीट। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती। मतलब कोई जैसे आजकल बोलते हैं कि ये तो यू आर कर्टेलिंग देयर फ्रीडम, आप तो उनको स्वतंत्रता नहीं दे रहे, पर जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा बोझ है स्त्रियों पे अगर उनको स्वयं अपने लिए पति ढूंढना है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, फिर उनको अपने आप को बहुत आकर्षित बनाना होगा, क्योंकि वर ढूंढना मतलब आप चाहते हैं कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उनको भी ऐसे लगना चाहिए कि वो आपसे शादी करे, तो वो क्यों करेंगे अनजान स्त्री से? आजकल के टाइम में कौन देखता है कि गुणवान है कि, तो फिर आपको अपने
अपना चरित्र या अपनी सुंदरता दर्शानी पड़ेगी। इवन अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे गुणों की वजह से कोई मेरे साथ शादी करे, अगर कोई और आपकी ओर से आपकी विवाह की बात नहीं कर रहा और आपको स्वयं करना है, तो स्वयं ही आपको दिखाना पड़ेगा किसी को कि मेरे में ये गुण है या मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि स्वयं हमेशा उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ता है जो ऐसे समाज में है जहाँ पे अरेंज मैरिज का सिस्टम नहीं है, उनको स्वयं ही अपने आप को, यू नो, यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ जिसको कहते हैं, कि आपको स्वयं ऐसे कार्य करने होंगे कि कोई ना कोई आगे आके आप में इंटरेस्ट दिखाए। तो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उससे बहुत तनाव रहता है मन पे। और कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की है और उसकी शादी, तो दूर की बात, ज्यादातर रिलेशनशिप्स ही होती हैं पहले, इमिजिएटली तो कोई शादी के लिए मानता भी नहीं है। तो लड़कियां देखती हैं कि अरे बाकी उनके सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स हैं, तो फिर उनको लगता है मेरे में क्या कमी है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी लड़की हो, पर बस कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है उन पे, तो पर उनको मन में ऐसे शंका आती है कि मेरे में क्या कमी है, मुझ में क्या बुराई है, बाकी सबके तो इतने दोस्त हैं और बॉयज हमेशा उनमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये तो बहुत खराब सिस्टम है देखा जाए, कि ऐसे एक लड़की को शी इज फोर्स्ड टू बी, यू नो, क्वाइट अनचेस्ट। तो इसमें वो अपनी लज्जा या अपने चरित्र को कैसे संभालेंगी, क्योंकि अगर उनको समाज में अपने आप को दिखाना है कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये हमारी वैदिक संस्कृति है, और हम देखते हैं कि why this is very practical। फिर आगे चल के अगले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं तो कर्दम मुनि के बारे में ही, कि तो हम ये पूरी क्लास में हम विवाह के संबंध में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कैसे माता पिता का कर्तव्य है कि अच्छा वर ढूंढे। अब दूसरी बात है कि लड़का और लड़की उनका भी कुछ कर्तव्य होता है। तो इसमें हम देखते हैं कर्दम मुनि ने कैसे अपना कर्तव्य निभाया, कि उन्होंने बहुत फेथफुली प्रार्थना करी अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए। और हम देखते हैं कि स्त्रियों के लिए भी ये कहा जाता है कि उनको जरूर अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए कि अच्छा वर उनको मिले। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार कर्दम मुनि ने अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। तो यह एक दूसरी सीख हमें प्राप्त होती है कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय है ये कि किससे विवाह करें, पूरा जीवन उस पर निर्भर है, वो लड़का और लड़की दोनों के लिए। तो हमें अवश्य जो इस स्थिति में है उनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि एकदम सूटेबल वर प्राप्त हो। और इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत इनकरेजिंगली बोलते हैं कि अगर हम बहुत अच्छे से प्रार्थना करेंगे तो हमारे आकांक्षा से कई अधिक भगवान हमें जरूर देंगे। और इसका कहने का ये मतलब नहीं कि हम प्रार्थना करें और हमें लगे कि अरे भगवान ने तो मुझे बहुत ही अनसूटेबल वर दिया, बहुत चिड़चिड़े हैं मेरे पति
या बहुत नैग करती है मेरी पत्नी, तो ये क्या बात हुई? भागवतम में तो बोला था प्रार्थना करो और राजकुमारी या राजकुमार मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जो जिसकी जो जिसके लिए जो सही है भगवान वही आपको देंगे, तो हमें वो भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पे। अपनी तरफ से आप प्रार्थना कीजिए और जो भी भगवान देंगे उनको उस पति या पत्नी को खुशी से स्वीकार करें। तो इसके आगे फिर थर्ड चैप्टर 21-36 चैप्टर के अंत के कुछ वर्सेस में शिल प्रभुपाद बताते हैं, विश्व के सम्राट चाहते तो अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति की खोज के लिए कोई दूत नियुक्त कर सकते थे, किंतु वे अपनी कन्या को जैसे एक पति को पिता को चाहिए प्यार करते थे, अतः उसके लिए वर की तलाश करने केवल अपनी पत्नी सहित स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर अपने राज्य से रवाना हुए। तो इसमें बताया गया है कि वो तो पूरे विश्व के सम्राट थे, तो उनको स्वयं जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर वो अपने पिता होने का पूर्ण रूप से कर्तव्य निभा रहे थे और स्वयं गए और फिर वर खोजने लगे। खोजने मतलब उनको पता था किसके पास जा रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें भी जरूरी है हमें देखना कि कई बार ये लोग सोचते हैं कि अरे वैदिक संस्कृति में तो पुत्र को ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पुत्री से कोई इतना प्रेम नहीं करता, वो तो पराई धन मानी जाती है, ऐसे करके। तो इसमें ऐसा नहीं बताया, भागवतम में हम देखते हैं कि बहुत प्रेम करते थे वो अपनी पुत्री को, और जब उनका विवाह भी हो जाता है तो खूब वो सम्राट होते हुए भी वो एकदम उदास हो गए, और इसमें दिखाया कि कैसे वो स्वयं निकलते हैं उनके लिए वर ढूंढने के लिए। तो ये गलत है सोचना कि पुत्र या पुत्री में कोई अंतर होता था, माता पिता तो दोनों पुत्र पुत्री में सामान्य रूप से प्यार करते हैं। तो फिर किस तरह से चुनाव करना चाहिए कि कौन अपना पति या पत्नी होना चाहिए, तो वो अब अगले चैप्टर में बताया गया है, थर्ड कैंटो चैप्टर 22 वर्स 9। उसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बताते हैं, यह स्पष्ट है कि यद्यपि देवहूति आयु तथा गुणों में व्यस्त थी, किंतु वह स्वतः पति के चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई, क्योंकि जो राजकुमारियां थी उनके उनका विवाह बहुत छोटी उम्र में नहीं होता था, वो बहुत कुछ उनको सिखाया जाता था और फिर उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता होती थी कि वो अपने पति का चुनाव कर सकती हैं। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि स्वतंत्रता मतलब वो बता सकती हैं कि मेरी यह इच्छा है, और अगर अगर इच्छा उनकी सूटेबल है तो उनके पिता मान जाते थे। तो वो उम्र में इतनी भी कम उम्र की नहीं थी, पर तब भी उन्होंने स्वतंत्र रूप से जाके खोजना शुरू नहीं किया। उसने अपनी आयु शील तथा गुण के अनुकूल उपयुक्त पति के लिए इच्छा व्यक्त की, ठीक है, अपने माता पिता को बताया, और पति ने और पिता ने स्नेहवश उसके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरी यह इच्छा है, और फिर उनके पिता निकल पड़े। अगले श्लोक में अब ये हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं जब एक्चुअली इस चैप्टर में पिछले चैप्टर में फिर भगवान के दर्शन होते हैं और फिर भगवान चले जाते हैं, और भगवान ने बोला था देखना एक दो दिन में स्वयंभुव मनु आएंगे, तो जरूर तो उसी अनुसार स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी और पुत्री देवहूति के साथ विमान पे कदम्ब मुनि के आश्रम में आते हैं। तो फिर स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के बीच में वार्तालाप होती है, उसी का वर्णन है। तो
इसमें स्वयं भुवा मनु बता रहे हैं कि मेरी पुत्री की यह इच्छा है। तो स्वयं भुवा मनु कहते हैं, जब से उसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, यश, वय, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से वह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तो स्वयं भुवा मनु कहते हैं, और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देवहूति ने ना तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था, ना उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था। कैसे होगा, क्योंकि देखा नहीं था, मिली नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। क्योंकि ऐसा नहीं था कि स्त्री और पुरुष मिलते थे, कोएड स्कूल होता था या कॉलेज होता था या कॉमन पार्टीज होती थी जिसमें लड़का लड़की मिलते थे, ऐसा नहीं होता था। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था, किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको जो क्वालिफाइड हैं, जो अधिकारी मतलब उनमें क्वालिफिकेशन है, उनमें स्वयं इतने अच्छे गुण हैं कि वो दूसरे गुणवान व्यक्ति को पहचान सकते हैं, तो उनसे सुनना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पति होने के योग्य हैं, अतः उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेंगी। उसने अपने पति से अपना मंतव्य पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। तो पहले उन्होंने नारद मुनि से सुना देवहूति ने, फिर उन्होंने अपने पिता को बताया कि मेरी यह इच्छा है, तो पिता को भी ये बात अच्छी लगी, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ यह अच्छा प्रस्ताव है और हमें इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। तो इसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, ना तो उन्होंने समझा कि उनको देखना आवश्यक है, क्योंकि आजकल तो बिना देखे इट्स अनथिंकेबल कि अरे बिना देखे क्या, जब तक एक दो डेट्स पे नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो कंपैटिबल है कि नहीं, लड़का और लड़की, है ना। पर पहले ऐसा नहीं होता था, वो समझ जाते थे कि जो लोग हैं जिनमें क्या कहते हैं, द क्वालिफाइड पीपल, दे कैन गिव द राइट डायरेक्शन। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे जीवन के बारे में तो मुझे निर्णय लेना चाहिए, बिकॉज हु नोज मी बेटर देन माई सेल्फ। एक्चुअली समटाइम्स पेरेंट्स नो द चिल्ड्रन फार बेटर। कई बारी लड़के लड़कियां सोचते हैं कि कोई और कैसे निर्णय ले सकता है मेरे जीवन के बारे में, क्योंकि वो मुझे समझते नहीं है। पर यह उनकी नादानी है, क्योंकि माता पिता और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि इस लड़की की ऐसी मनोवृत्ति है या ये लड़का ऐसा है, तो इसके लिए ऐसी लड़की सही रहेगी, तो वो समझ पाते हैं। पर हम सोचते हैं कि हम एकदम स्पेशल हैं, कोई हमें समझ नहीं पाता, तो इसका निर्णय हम स्वयं ही लें। तो अगले वर्स में बताया है श्रील प्रभुपाद ने, तो और निर्णय भी ऐसे लिया जाता था कि लड़का और लड़की के दोनों के स्वभाव को देख के। यहाँ एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, सर्वात्मानु रूपाम। इसका सारांश यह है कि पत्नी की
आयु चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए किंतु गृहस्थी के कार्यों में सहायक होना चाहिए। पति को आयु पत्नी को आयु चरित्र तथा गुणों में पति के समान होना चाहिए और गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। ठीक है, और बताया गया है पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से स्पर्धा करे, मतलब कंपटीशन या बराबरी करे। पत्नी सहायता करने के नियमित होती है किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयुशील तथा गुणों में उसके समान ना हो। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यह देखना जरूरी है। जैसे इसमें बताया गया है कि आयु आयु सूटेबल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पत्नी, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए कि पत्नी बड़ी है आयु में और पति छोटा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों के आयु में बहुत कम अंतर है या बहुत ज्यादा अंतर है। तो कुछ बोलते थे कि 5 साल, 8 साल, 10 साल, यह अंतर सूटेबल माना जाता है। तो वो बात हुई आयु, और गुणों में भी सामान्य होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई है जो बहुत धार्मिक है और पत्नी एकदम अलग है तो फिर उनका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो वो भी यह चीजें देखी जाती थी। तो कहने का मतलब कि जो अरेंज मैरिज सिस्टम था उसमें कई चीजों का पर विचार करके तब निर्णय लिया जाता था। तो यह सब कंसिडरेशंस थी सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सही रहेगा, मतलब पति या पति चुनने के समय। तो हमने देखा कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, और यह देखा कि स्वयंभू व मनु पूरे विश्व के सम्राट थे पर उनकी बेटी का चरित्र इतना अच्छा था कि जब उन्होंने वर का चुनाव किया तो ऐसे पर्सनालिटी का चुनाव किया जो कि गुण उनके बहुत थे पर एक्सटर्नली बहुत ही सिंपल स्थिति थी उनकी। मतलब वो तो जंगल में रहते थे आश्रम में, और पर उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो यह Ayushi, thank you so much. But you don't know which verses I'm selecting, and I'm selecting only parts of the verses. इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है. Thank you so much for offering. Maybe from next class onwards. तो आयुषी बोल रही है कि वह translations पढ़ ले मेरे लिए, जो कि बहुत useful होगा क्योंकि मेरे printout सही नहीं है और समय लग रहा है. तो अगली session से शायद वह सही रहेगा. तो यह बहुत जरूरी बात है नोट करने की कि क्या हमें देखना चाहिए जब यह हमें देखना है कि किससे शादी करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल ही ध्यान ना दें, क्योंकि अपना अपनी स्थिति भी जाननी जरूरी है। तो देवहूति तो बहुत बहुत ही आइडियल वुमन जिसको बोला जाता है कि वो तुरंत मान गई और उन्होंने बस कर्दमा मुनि के चरित्र पे ध्यान दिया और बिल्कुल यह नहीं सोचा कि वो राजकुमारी हैं और अब उनको सिंपल से आश्रम में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जिस प्रकार सीता देवी, उनको वनवास जाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ा। तो यह तो उनका अपना चरित्र है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन माताओं से, और हमें भी अपने जीवन में यह सब चीजें उतारने का प्रयास करना चाहिए। पर बिल्कुल ही ड्रास्टिकली हम अगर नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम वी आर यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल एंड वेरी आइडियलिस्टिकली वी गेट मैरिड टू समबडी हु इज कंप्लीटली डिफरेंट बेस्ड ऑन व्हाट शुड बी डन।
तो अगर हमें हमें आदत है एक रहन सहन की और हम बिल्कुल ही अलग रहन सहन में अपने आप को ढालना चाहें तो हो सकता है उसमें भी दिक्कत आए। तो जरूरी यह है कि हमें स्वयं स्वीकारना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। अब अगर हम इस अगर हमें बिल्कुल अपने मन में दृढ़ विश्वास है कि मेरे जीवन में भक्ति के अलावा किसी और चीज के लिए जगह नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको बिल्कुल यही देखना है कि कौन सबसे अच्छे भक्त है जिससे मेरा विवाह हो सके, और बस यही क्राइटेरिया है। पर ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, हमें तब भी देखना है कि गृहस्थ जीवन में खर्चा होता है, तो अगर गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है तो लड़की के माता पिता को देखना चाहिए सबसे पहले कि अच्छे भक्त हो। पर ऑल्सो ये भी देखना जरूरी है कि ठीक ठाक बेटी का ख्याल रख सके। तो अगर हम केवल भक्ति पे जोर दें और उसमें प्रसन्न है, वो सबसे अच्छी बात है। पर अगर हम रियलिस्टिकली देखें कि नहीं, अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं, तो फिर हमें ये दोनों चीजें देखनी है। पर कहने का मतलब है कि पहला क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, ये ही होना चाहिए कि चरित्र अच्छा हो। और अगर हम दूसरा क्राइटेरिया रख रहे हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो हमें बस ये देखना है कि ठीक ठाक हो। ये नहीं कि भाई दो तीन बंगले होने चाहिए, लड़के के पास ऑलरेडी गाड़ी तो होनी चाहिए, कार के बिना मेरी बेटी कैसे इधर उधर जाएगी, और अभी से ही अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए। इतना सारा हमें अपने मन में नहीं रखना चाहिए क्राइटेरियाज, और इसी कास्ट का होना चाहिए लड़का या लड़की। तो अगर हम बहुत सारे क्राइटेरियाज रखेंगे तो जो जरूरी चीजें हैं वो कई बार मिस हो जाती है। तो इन सबसे हम यह जरूर सीखते हैं के महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो अब दो और विषय हैं इस संबंध में। समय के अनुसार लेने का प्रयास करते हैं। सो द नेक्स्ट वर्स इज 3:22:15। तो अब जब स्वयंभुवा मनु बोलते हैं कि मेरी पुत्री की यह इच्छा है और आप स्वीकार करें, तो फिर कर्दमा मुनि कहते हैं, महामुनि ने उत्तर दिया, निस्संदेह मैं विवाह का इच्छुक हूं, और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। तात्पर्य, स्वयंभुवा मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दमा मुनि के समक्ष विचारणीय बातें अनेक थीं। प्रथम तो यह कि देवहूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था। वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी। यह सबसे बड़ी विचारणीय बात थी, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है, तो उसे वापस लेना कठिन हो जाता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है। साथ ही उसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुवारी थी। इन सब बातों से कर्दम्ब मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। तो यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो हम बोल रहे थे कि स्त्रियों के लिए चेस्ट होना बहुत जरूरी है। चेस्ट मतलब कि किसी और पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए विवाह के पहले। और यह विचार कर्दमा मुनि प्रकट करते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है कि देवहूति का चरित्र ऐसा है कि उससे किसी और अन्य पुरुष के संपर्क में ही नहीं थी वो। तो यह क्यों जरूरी, शिला प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि स्त्रियों का ऐसा मन होता है, इतने नरम दिल की होती है कि वो जिसको भी पहले किसी
जिससे भी वह पहले आकर्षित होंगी और प्यार प्रकट करेंगी तो वो कभी भूल नहीं सकती। तो यह श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि क्यों यह बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों को अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और से प्रेम करती हैं और विवाह किसी और से हो जाए तो हमेशा उनके मन में वो कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह बहुत नेचुरल है लड़कियों के लिए कि अगर वो किसी और के साथ संबंध रखती हैं तो वो उस लड़के को अपने मन से आसानी से निकाल नहीं सकती, बल्कि उसे अगर वो किसी को अपना हृदय देती है तो वापस लेना कठिन है। यह श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हम अपना मन अर्पित कर देती हैं तो उसे वापस लेना कठिन होता है। सो अगेन वेरी प्रैक्टिकल कि ये सब जो हमें लगता है नियम है या बहुत रोक टोक है लड़कियों के ऊपर, तो वह उस सब का कुछ कारण है। और यह हम देखते भी हैं आज के टाइम में कि कई बार बहुत सी लड़कियां हैं जो उनका पहले संबंध होता है किसी के साथ, पर फिर बीइंग यंग एंड फ्रिवलस अगर कमिटमेंट नहीं होती तो कई बार ब्रेकअप हो जाता है, पर फिर विवाह किसी और के साथ हो जाता है। तो वो बड़ा अजीब सी स्थिति रहती है, क्योंकि कई बार तो होता है कि सेम फ्रेंड सर्कल होता है तो फिर आप उस पुरुष के साथ कभी भेंट होती है तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और आगे चल के देखिए अगर आपके बच्चों को पता लगेगा तो कितना अजीब लगेगा उनको कि अच्छा मेरी माता का या मेरे पिता का किसी और से संबंध था। उनको बड़ी इनसिक्योरिटी होती है इन बातों से। बच्चों को चाहिए कि क्योंकि माता पिता उनके सामने दैट्स द फर्स्ट रिलेशनशिप दे आर एक्सपोज टू, एंड इफ दे बच्चों को सबसे प्रथम माता पिता का संबंध दिखता है और अगर उनको लगे कि यह संबंध एकदम स्ट्रांग नहीं है तो उनके स्वयं मन में शंका रहती है कि जब मेरा किसी के साथ संबंध होगा तो वह दृढ़ रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता का भी इतना आपस में प्रेम नहीं है। तो इसलिए there are many repercussions of something that may appear to be very innocent. लोग कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नेचुरल है, इस उम्र में लड़का लड़की मिले, दोस्ती हो, घूमे फिरे, पिक्चरें देखें, उसमें क्या बुराई है। खास करके बच्चों को ऐसा लगता है, हो सकता है माता पिता समझ पाए पर बच्चे समझ नहीं पाते। और जैसे एक पिछले सेशन में माता जी पूछ रही थी कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि यह बात अच्छी नहीं है, तो मैंने यही उत्तर दिया कि बाकी लोगों का उदाहरण देके जो इससे गुजर चुके हैं कि और उनको कठिनाई हुई इस वजह से, तो फिर ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। और एक और बात बताई जाती है इस संबंध में अगले दो श्लोक के बाद 3:22-17, उसमें बताया जाता है कि उस काल में गेंद खेलना भी अच्छा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कर्दमा मुनि स्वयं बोलते हैं कि हाँ मैं तो आपकी बेटी के बारे में जानता हूँ, क्योंकि एक बारी एक गंधर्व अपने विमान में जा रहे थे और आपकी पुत्री अपने महल की छत पे गेंद के साथ खेल रही थी और वो इतनी खूबसूरत है कि वो गंधर्व अपने विमान से गिर गए उनको देखते हुए, तो इतने वो आकर्षित हो गए। तो फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि उस काल में भी गेंद खेलना प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी, है ना, वो अपने घर में छत पे खेल रही थी। गेंद खेलना तथा अन्य अमोग प्रमोग सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे, ऐसे खेल केवल देवहूति जैसी राजकुमारियां ही खेल सकती थी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि राजकुमारियों के पास यह सुविधा थी
बड़े बगीचे थे या महल थी, उसके छत पे जाके खेल सकती थी, तो कोई उनको देख नहीं पाता। मतलब कुछ ऐसा अब हो गया कि विमान में देख लिया, नहीं तो कोई देख नहीं पाता था। अब सामान्य स्त्रियां जो छोटे घर में रहती हैं, तो उनको मना किया जाता था क्यों। और एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं आजकल, आप देखिए बैडमिंटन हो या कुछ भी हो, उसमें एकदम शॉर्ट स्कर्ट्स पहनेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज अ फॉर्म ऑफ सटल सेक्स, मतलब सूक्ष्म सेक्स, के दे आर ऑल फॉर्मुलेटेड, के दिखाते हैं कि हमें तो बड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पर ये भी एक तरीका है कि पुरुष स्त्रियों को देख सके, उनके शरीर को देख सके। जैसे फुटबॉल मैच होता है तो वहां पे चीयर लीडर्स रहती हैं, वो छोटे छोटे स्कर्ट्स पहन के नृत्य करेंगी और चीयरिंग करेंगी। तो ये विदेशी मतलब विदेश में काफी, नॉट ओनली इन बिग स्टेडियम्स, जो हाई स्कूल होता है उसमें गेम होती है, उसमें भी एक चीयर लीडिंग स्क्वाड होता है, कि मतलब लड़के खेल रहे हैं और लड़कियां ऐसे चीयर लीडिंग करती हैं। सो ऑल दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और स्पोर्ट्स के नाम पे सब लोग स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे से लड़कियां खेल रही हैं, पर वो लड़कियों को देख रहे हैं, क्योंकि कैसा होता है अगर लड़की, जैसे उनका शरीर है वो भागेंगी, और तो इससे पुरुष आकर्षित होते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं कि नहीं, हम तो जैसे लड़कों को स्वतंत्रता है, लड़कियों को भी खेलने का अवसर देना चाहिए हर चीज में, रेसलिंग में और बॉक्सिंग में भी। इट्स सो स्ट्रेंज। तो ऐसा नहीं कि लड़कियों को खेलने की अनुमति नहीं है, पर ऐसा ध्यान देना है कि हमारी लड़कियां जब खेलकूद करें, हमें एक स्वयं ऐसी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए जहां बाकी लड़के ना हो तो अच्छा है। उस समय जाएं स्पोर्ट्स क्लब में जब ज्यादा लोग नहीं होते, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम या ऐसा कुछ हो। जैसे यहाँ बच्चों का, हमारा स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल, तो आफ्टर स्कूल कई बारी लड़कियां खेलती थी बास्केटबॉल, तो सब लोग स्कूल से चले गए हैं तब वो खेलती थी, और तब भी प्रॉपरली ड्रेसअप होके, हमेशा ऐसे नहीं कि शॉर्ट्स में खेल रही हैं। तो क्योंकि शुरुआत में ही हम बच्चियों को आदत डाल देते हैं शॉर्ट्स पहनने की, टाइट पैंट्स पहनने की, स्कर्ट्स पहनने की, तो वही आदत फिर रह जाती है, बड़ी हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि अब चीजें बदल गई हैं। और उस टाइम जब हम मना करने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है ये बहुत रोक टोक है। इसलिए शुरुआत से हमें ये सब चीजें बच्चियों को समझानी चाहिए। अब आखिरी एक बहुत अच्छी सीख जो हमें मिलती है, वह है 3rd chapter 22-23, और वो है दहेज के बारे में। महारानी शत्रुरूप ने वर वधु बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटे तथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। आज शिल प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। तो बताते हैं कैसे, बहुत बहुमूल्य चीजें रानी ने दी, क्योंकि वह दे सकती थी। फिर अगले पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद बताते हैं, विवाह की वैदिक रीतियों में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है द्वारा। हाँ, यहाँ तक कि भारत में अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपए व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसे कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा सदिच्छा के प्रतीक रूप में कन्या को दिया जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहां पिता अतिथि
अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहां पर फल तथा फूल भी दिए जाने का विधान है। जैसे कि भगवद गीता में उल्लेख है, भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जहां अधिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार से दहेज की राशि संग्रह नहीं हो जा सकती, वहां दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यह दहेज की प्रथा तो माता पिता प्रसन्न होके अपनी बेटी को देना चाहते हैं। और एक और बात है कि क्योंकि वैदिक संस्कृति में पिता की प्रॉपर्टी पुत्र को दी जाती थी, तो जो पुत्री का शेयर था वो उसके भाग में जो जाना चाहता था वो विवाह के समय दहेज के रूप में दिया जाता था। सो दिस इज ओनली फेयर। तो इस तरह से लोग बोलते हैं कि अरे बेटी को कुछ दिया नहीं जाता, सब कुछ पुत्र को जाता है। एक तरफ से तो वो प्रोटेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ से बोलते हैं कि दहेज भी नहीं देना चाहिए। तो ये समझ नहीं पाते कि दहेज इसलिए दिया जाता था कि पुत्री का जो भाग था वो उस समय शादी के टाइम दिया जाता था, क्योंकि उनको उस समय जरूरत भी होती थी। तो ये प्रथा थी। अब श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है वो भी अपने दबाव में आके कर्जा लेके दहेज दे। अब इसी वजह से दहेज की प्रथा बंद की गई है और इलीगल मानी जाती है, क्योंकि जो लड़के के माता पिता था वो बहुत पिता थे वो बहुत दबाव देने लग गए लड़की के माता पिता को। पर यह बताया गया है कि यह गलत है, ऐसा नहीं था। जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से प्रसन्नता से वो देते थे। तो दहेज देना बुरी बात नहीं है, पर अगर कोई किसी को दबाव डाल रहा है वो बुरी बात है। तो पर हमें यह समझना है कि ये प्रथा क्यों थी। हम हर चीज को अगर इसलिए नजरअंदाज करें कि ये सब चीजें गलत हैं और हमें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सही बात नहीं है। हमें देखना है कि सही तरह से किस प्रकार फॉलो करना है। तो यह कुछ बातें हमने सीखी देवहूति और कर्दमा मुनि के विवाह की कथा से, कि चुनाव किस प्रकार करना चाहिए, माता पिता का क्या कर्तव्य है और लड़की और लड़के का क्या कर्तव्य है। तो हर पास्ट टाइम जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है उसमें अनेक अनेक शिक्षाएं हैं, क्योंकि हम माताओं की सेशन ले रहे हैं, इसलिए हम खास उन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जो लड़कियों को ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे देवहूति एकदम आइडियल पत्नी है और उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। हरे कृष्णा, क्वाइट अ लॉन्ग सेशन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वी आर ओपन टू टेक कमेंट्स एंड क्वेश्चंस नाउ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सेशन बहुत ही सुंदर था और बहुत सच में बहुत ही यूजफुल शिक्षाएं आपने बताई। ठीक है माता जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है कि किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप पर्सनली भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी निकिता माता जी, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं निकिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसा आपने बताया अभी कि आजकल गर्ल्स कैसे हर चीज में कहती हैं कि हमें लड़कों के बराबर ही रहना है, उनसे नीचे नहीं रहना है, तो आपको पता भी होगा यूएसए की तरफ एक ऐसा वो गर्ल्स करती है, अपर पार्ट में कपड़े नहीं पहनती हैं और कहती हैं जैसे लड़के पूरा विदाउट क्लॉथ रहते हैं, अपर पार्ट में कपड़े नहीं पहनते हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी उनकी बराबरी करेंगे। तो फिर अपर पार्ट में कपड़े नहीं पहनती हैं और रैली करती हैं। हाँ। ऐसा, तो
इसका बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट है ना, मतलब किस लेवल पे कॉन्शियसनेस चली गई है। हाँ वही बात है कि आप बराबरी कैसे, मतलब बराबरी मतलब आपका शरीर और पुरुषों का शरीर अलग है, तो वो तो इट्स अ नो ब्रेनर, मतलब उसमें क्या दिखा सकते हैं हम, उसको तो हम आर्टिफिशियली चेंज नहीं कर सकते। और ये सब एक्चुअली जिसको बोलते हैं अनस्क्रूपलस मैन, जो पुरुष हैं जो कि स्त्रियों का फायदा उठाना चाहते हैं, वो ऐसी चीजें इनकरेज करते हैं और स्त्रियां समझ नहीं पाती कि कुछ लोग बोलते हैं हम तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और हम तो चाहते हैं कि स्त्रियां एकदम फ्री हों, पर वो एक्चुअली उनका फायदा उठाना चाहते हैं, वो स्त्रियों के हित में नहीं सोच रहे हैं। और दुख की बात है कई माता पिता ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी को पूरी स्वतंत्रता है, जो करना चाहे हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी दुख की बात है क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है कि वो बताएं पुत्री को कि क्या सही है क्या गलत है। तो समाज में ऐसा the wrong messages are being spread by so many people. वो देखते हैं कि उनके टीचर्स ये बोल रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, तो सब जब ऐसे उनको बढ़ावा देते हैं तो फिर स्त्रियां ऐसे करती हैं। पर हमें इन सब चीजों से सीख लेनी है कि क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसा भारत में भी होगा, और अगर हम इस तरह चलते रहे उनकी बिना सोचे समझे फॉलो करने में, इमिटेट करने में, तो यही हाल होगा। बट वेरी मतलब देखिए, ये तो हम समझते हैं कि जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी होते हैं, या बहुत जो वैदिक संस्कृति के हिसाब से अनसिविलाइज्ड माने जाते हैं, वो थोड़े कपड़े कम पहनते थे और बड़े प्रिमिटिव वे में रहते थे। पर संस्कृति यह मानी जाती है कि आप अपने आप को अच्छे से अपना आचरण रखें, एंड नॉट जस्ट इन इंडियन कल्चर, इवन इन वेस्टर्न कल्चर जो विक्टोरियन ईरा था, उसमें बहुत लड़कियां पेटिकोट्स पहनती थी, ऐसे फुल स्लीव्स बिल्कुल ढक के रहती थी, तो उस समय भी ऐसा था पाश्चात्य देश में। पर धीरे धीरे सब डिग्रेड होता गया स्टैंडर्ड, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा था, पर हम इन सब चीजों से सीख ले सकते हैं कि ऐसा अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और इससे कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब इट्स अ सैड थिंग। यू शुड बी careful about your own body. Why would you want to expose it to strangers? आप क्यों ऐसे सबके सामने अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहेंगे? To prove a point कि हम भी बराबर हैं. It's quite strange, sad. हरे कृष्णा योशिमा. हरे कृष्णा माताजी. माताजी आज का session बहुत helpful और बहुत सुंदर था, और आपके समझाने का ढंग तो बहुत ही सुंदर वैसे भी है. माता जी आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कन्या को या लड़की को अच्छे वर के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो क्या यदि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से ये क्या मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होगी यदि हम प्रार्थना करें तो? बिल्कुल, और कर्दमा मुनि को भी ऐसा लगा कि देखो मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पर क्योंकि उनको आदेश दिया गया था ब्रह्मा जी से, तो इसलिए उन्होंने यह पथ चुना। तो होगा मटेरियलिस्टिक, पर हमें प्रैक्टिकली देखना है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर तो हम एकदम शुद्ध भक्त हैं, जड़ भरत के लेवल पे, कि कुछ भी हो मैं तो भगवान पे समर्पित हूँ, कोई मुझे मारने भी आएगा तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, तो अगर हम उस स्थिति पे हैं तो कोई जरूरत नहीं है भगवान से कुछ मांगने की। पर अगर हम उस स्थिति में नहीं है, तो जैसे हमें ध्रुव महाराज के पास टाइम में बताया जाता है कि अकाम सर्व काम, कोई भी हम अगर हमारे मन में कोई इच्छा है या कोई इच्छा नहीं है, हर स्थिति में हमें भगवान की प्रार्थना करनी है। तो अगर हमें कोई इच्छा भी है
तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम भगवान से मांगे, पर हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ और उसके बाद जो भगवान सही समझेंगे मैं स्वीकार करूंगी। और हमारी इच्छाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि भक्ति को बढ़ाने के लिए, अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा वर मिले जो कि मेरी मेरे साथ भक्ति अच्छे से मुझे मार्गदर्शन दे और हम अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन करें, तो वो तो इट्स नॉट मटेरियलिस्टिक एक्चुअली, यह तो स्पिरिचुअल है। तो बिल्कुल हम उसकी प्रार्थना कर सकते हैं इवन इफ इट इज मटेरियलिस्टिक। अगर हमारी कोई ऐसी सहेली है जो बस अच्छा वर चाहती है तब भी भगवान से प्रार्थना करें, अगर वो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट होगा, हो सकता है भगवान उनको भक्त दें या कुछ ऐसे स्थिति पैदा करें कि इन लॉज धार्मिक हैं तो कुछ तो उनके जीवन में सुधार आए इस तरह से। तो किसी भी स्थिति में भगवान से प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, पर अपनी इच्छाओं को हमें थोड़ा प्योरिफाई करना है, वो है। थैंक यू सो मच माता जी समझाने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी माता जी, मैं इस रिलेटेड कमेंट करना चाहती थी कि हम शादी से पहले वी डिडंट हैव, आई मीन पिताजी नहीं थे तो सिर्फ मैं, मेरी बहन और मेरी माँ थे, तो वी वर लाइक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे था ऐसे। देन तभी हम वी गॉट इंट्रोड्यूस टू इस्कॉन। तो इस्कॉन में जब हमने सुना कि श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन इज दैट एवरी वुमन शुड गेट मैरिड, बिकॉज आई हैड डिसाइडेड कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी मम्मी का और बहन का ख्याल रखूंगी। तो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद आई एग्रीड कि ठीक है मैं शादी कर लूंगी। देन मेरी मम्मा ने प्रार्थना किया था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, किस कैसे ढूंढेंगे। दैट वाज आवर इनिशियल डेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो। सो वो टाइम पे माय मदर प्रेड कि नशिंगदे मुझे नहीं पता है, आप वर हमारे घर लेके आइए, हम शादी करवा देंगे जो भी आएंगे। एंड परफेक्टली इट हैपेंड दैट वे कि किसी मैट्रिमोनी, हमारा वैष्णव मैट्रिमोनी साइट में मेरा प्रोफाइल देखा था कोई डिवोटी ने, और वो डायरेक्ट बोले कि हम आपको देखने आ रहे हैं। जय हरि बोल, शादी हो गई। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये तो हम सबको प्रेरणा देता है कि अगर अच्छे से हम प्रार्थना करें तो जरूर भगवान हमारी बात सुनेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच कमला माता जी फॉर शेयरिंग। ओके, रक्षा त्रिवेदी माता जी, आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली जो अभी बात हो रही थी ना, उन्होंने बताया कि अमेरिका में से टॉपलेस घूमते हैं, निकालते हैं, लेकिन और दूसरी बात ये कि डाउरी जो हम दहेज बोलते हैं जो अपनी इंडियन ट्रेडिशन है, तो मैं इसके लिए मेरा खुद का फैमिली का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि मेरी जो ननन, मतलब सिंस 1970 वो अमेरिका चले गए थे, बेटी उनकी 2 साल की थी तब चले गए थे, तो मतलब बड़ी होके वहाँ PhD हो गए, और उन्होंने एक जर्मन ओरिजिन PhD लड़के से मतलब मैरिज किया, मतलब वो दोनों PhD येल यूनिवर्सिटी में थे। मेरी ननन को अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से सबको गिफ्ट देने का बहुत शौक था, जब जब जिस जिसका मैरिज होता था, वो मतलब अनटाइमली शी पास्ड बिफोर दिस मैरिज ऑफ आवर नीस। तो फिर मेरे जो ननदोई थे वो
उनको तभी बहुत अजीब लगता था कि अपना कस्टम कैसा है, वो टोटली वेस्टर्नाइज हो गए थे। लेकिन जब खुद की बेटी की जब मैरिज हुई तो उन्होंने देखा कि दीदी ने बहुत सारों को मतलब वैसे गिफ्ट किया था और ये किया था, तो अमेरिका में भी उनको इतना सारा मतलब वहां की सिस्टम के हिसाब से इतने गिफ्ट वाउचर्स और ये सब आया जब, और मतलब माहौल पूरा ऐसा था, देन शी रियलाइज, उन्होंने मेरे सामने कन्फेस किया कि वो अमेरिका जाने के बाद में 25 साल तक वो इंडिया भी नहीं आए थे, इतने वेस्टर्नाइज हो गए। हाँ, didn't turn back, मतलब उनकी मदर की डेथ हो गई तो भी नहीं आए थे, ऐसा हो गया था। लेकिन जब बेटी की हुई तो उन्होंने लिटरली मेरे सामने कान पकड़ा था, बोले कि नहीं, अपना जो इंडियन कस्टम्स है, इंडियन ट्रेडिशन है, बहुत ही अच्छा है। और वो जर्मन ओरिजिन लड़का टेड जिसका नाम, वो येल यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं क्वालिफिकेशन इसलिए बोल रही हूँ कि वो पूरा उनका फैमिली भी पीएचडी था, और उन्होंने अपनी इंडियन ट्रेडिशन से मैरिज की और एक एक रिचुअल उसको पता था और सब किया था उसने। तो मतलब उनकी फैमिली ने भी बहुत एडमायर किया कि इंडियन जो मतलब जो द वे ऑफ अपना वेडिंग जो रहता है, पूरा विवाह का जो सेरेमनी, एक एक रिचुअल्स जो रहते हैं, मतलब उपटन लगाने से लेके, मतलब उन्होंने इतना डिटेल में मेरे साथ भी डिस्कस किया था, वो लड़के ने भी इंडिया आए थे तब। तो मतलब ये तो मीडिया का थोड़ा रोल होता है कि वो नेगेटिव बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाँ की लड़कियां ऐसे रहती है, वैसे वहाँ भी मतलब कल्चर्ड फैमिलीज भी है, और जो ट्रेडिशन है वो हमें संभालना है। सेकंड थिंग, मतलब जो नेगेटिव न्यूज आते हैं उसमें हम भी से जा रहे हैं अननेसेसरी, उनको देखते इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल, जब हम भी हम गए थे अमेरिका तो हमने देखा ऐसी काफी नॉर्मल फैमिलीज हैं जो अच्छे से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो मीडिया में हम देखते हैं वो थोड़ा एक्सट्रीम ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे हैं, काफी रेगुलर हैं, बच्चे हैं उनके, वो भी अपने अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं उस तरह से। दे आल्सो हैव गुड वैल्यूज, नॉट सेइंग दैट एट ऑल। और अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे जस्ट आफ्टर 4 years ऑफ देयर मैरिज। वो उनको कैंसर हुआ और शिल्पा उनका नाम था हमारी नीस का। बट एक बात मैं इसलिए ऐड करना चाहती हूँ कि वो लड़का अभी तक उसने मैरिज नहीं की है, ही डिडंट रीमैरिड, और अभी भी अल्टरनेट मंथ वो मेरे मतलब नंदो से जो है उनके पास आता है एज अ फादर, वो केयर करना, और वो भी मतलब उसको अराउंड 11-12 साल हुई। अच्छा, हाँ, तो मतलब मेरी खुद की फैमिली में है, मेरी रियल ननंद का मतलब दामाद है, न्यू जर्सी में रहते हैं, वो वाशिंगटन में। थैंक यू फॉर शेयर जी माताजी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई वुड लाइक टू आस्क मनीषा पाल माताजी टू आस्क क्वेश्चन। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा मनीषा जी। माताजी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम, माताजी थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे इतने सारे ये मिसकंसेप्शंस थे रिलेटेड टू डाउरी, हमारे कस्टम, कई बार मैं खुद क्रिटिसाइज करती थी हमारे कस्टम को बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट। तो आज मुझे अपने बहुत सारे आंसर्स मिले, सो उसके लिए थैंक यू। और माता जी मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप इनलिस्ट कर सकती हैं कि क्या वो रीजन है जहाँ से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ हमारे कस्टम का, फीमेल की कंडीशंस का, या हमने जो अपने कस्टम्स हुए उसको इतना निगेटिवली उसको जो अडॉप्ट कर लिया हमारे जो सिस्टम ने या हमारे सोसाइटी ने, तो क्या कुछ रीजंस आप बता सकती हो जिसके कारण हम कंफ्यूज कर सकते हैं? बिल्कुल माताजी, मनीषा जी, एक सबसे सर्वप्रथम रीजन है कि भगवान की भक्ति से दूर हो गए लोग, उसका इतना रेपरकशन हुआ कि सब प्रथाएं खराब होने लग गई, डिग्रेड होने लग गई। क्यों? क्योंकि जब भगवान सेंटर में होते हैं तो सबका ध्यान सही रूप में होता है, ठीक है। जो माता पिता हैं वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, तो फिर हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, एंजॉयमेंट, तो फिर हर कोई अपने बारे में सोचने लगता है, तो वो अपनी एंजॉयमेंट के कारण से अपनी
ड्यूटीज को नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। तो ना तो माता पिता ठीक से अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, वो इतने ध्यान देने लग गया उस पे, तो माता और पिता दोनों ही कई बारी जॉब करते थे या पिता बहुत मेहनत करते थे, इस तरह से जो जॉइंट फैमिली थी वो टूट गई क्योंकि जॉब के सिलसिले में लोग इधर उधर जाने लग गए, तो हमारा पूरा प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई, भक्ति से दूर हो गई, भक्ति और सिंपल लाइफस्टाइल और धर्म का पालन, अपना कर्तव्य पूरा करना, अच्छी बातें, परिवार में एकजुट रहना, सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि सब कोई अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचने लग गए और भगवान को भूल गए। तो अगर हम भगवान को सेंटर में रखेंगे तो फिर वो सेल्फिशनेस थोड़ी कम हो जाती है, फिर हमें ये सब चीजों का ध्यान आने लगता है कि सही चीज क्या है। तो इसी वजह से सब कुछ चेंज हो गया, हर चीज बदल गई उस वजह से, बिकॉज एवरीबॉडी इज बिजी, स्ट्रेस्ड और मेनली सेल्फिश, अपनी एंजॉयमेंट का सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैं। अब एंजॉयमेंट का आप सोचोगे तो फिर आप ज्यादा दूर का नहीं सोच सकते, फिर आप सोचोगे कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता, वो तो ज्यादा रोक टोक करते हैं तो वो अलग रहना चाहते हैं। अब जब वो बड़े, जब वो उस स्थिति में पहुंचते हैं तो उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर कौन नियम का पालन करेगा? जैसे हमने देखा अर्जुना पहले चैप्टर में बोलते हैं कि जब बुजुर्ग लोग नहीं रहते तो फिर पूरा परिवार अधार्मिक हो जाता है क्योंकि कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहता। इस वजह से मेनली दैट इफ वी फॉरगेट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, लॉर्ड कृष्णा, देन एवरीथिंग विल गो टॉपसी टर्वी, और देयर इज नो अदर वे। अगर हम सोचें कि रिलीजन को अलग रख के सोशल सोशली थिंग्स शुड बी करेक्टेड तो नहीं हो पाएगा, because who, what is the incentive, why will people want to change? So yahi karan hai aur iska solution bhi yahi hai ki fir dharm ko center mein rakh. Boliye Manisha ji. माता जी, एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। तो एक दिन अभी मैं अपनी क्लास ले रही थी, सो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। तो माता जी क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे पॉवर्टी चैप्टर था, सो वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी दे मेंशन जॉइंट फैमिली, और उससे पहले शायद मैंने ना एक सेशन लिया था आपका, दैट्स व्हाट मैम, माता जी क्या, मैंने एक सेशन लिया था उसमें आपने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमारे, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम क्या सीखते हैं, ये सब चीजें मैंने सुनी थी। सो लाइक दैट टाइम आई रेज द क्वेश्चन व्हाई दे मेंशन जॉइंट फैमिली, बिकॉज वो जो यंग एज के जो बच्चे हैं वो भी ये चीज सीखते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, बट वहाँ पे जब मैं ये चीज करते हैं तो वो एग्री करते हैं क्योंकि हम एजुकेशन में ये चीज नहीं दे रहे हैं कि ये जो चीज लिखी है ये एक राइटर ने लिखी है, ये उसके खुद के पर्सपेक्टिव है, बट ये सबके लिए सही नहीं है। तो माता जी मेरे को यही एक चीज और पूछनी थी, बिकॉज जब हम बच्चों से बहुत सारी चीजें डील करते हैं तो लाइक बिकॉज आई एम वर्किंग इन स्कूल, तो एक अपन हमको बुक्स वगैरह रेफर करनी पड़ती है तो उनको पढ़ाना पड़ता है, तो कई बार मुझे बहुत चीजें ऐसी लगती है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हम वहाँ पे कैसे डील करें क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो उसी एज में है जहाँ पे उनको ये सही और गलत समझ में आना चाहिए, जो लाइक मुझे लग रहा मतलब मैं बहुत अनफॉर्चुनेट क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं मिल रही ये सब चीजें, बट स्टिल आई वांट टू गिव दिस टू माय स्टूडेंट, सो हाउ कैन आई डील विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स। हाँ, तो आपको लॉजिकली देखना है कि अगर आप इससे सहमत नहीं है तो क्यों, आप देखिए हाउ इज इट इवन लॉजिकली करेक्ट के जॉइंट फैमिली में गरीबी ज्यादा होगी, क्योंकि आप अलग रहेंगे तो दो घर का रेंट पे करेंगे, बिजली पानी मेंटेनेंस सब कुछ, हाँ गाड़ी अलग होगी, बच्चों को देखने के लिए आया रखनी पड़ेगी, सो मेनी थिंग्स, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखने के लिए एक हेल्पर रखना पड़ेगा, तो जॉइंट फैमिली में तो इट्स मच बेटर दैट वे। तो ऐसे आप जब कोई चीजें आपको लगती हैं किताबों में गलत हैं,
जैसे हमारे तो यहाँ पे क्योंकि डिवोटीज पढ़ाते हैं, वो तो हर चीज बताते हैं बच्चों को कि जो एवोल्यूशन थ्योरी है तो बताते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं पर हमारे वेदों में ऐसा नहीं बताया है, हम समझ सकते हैं कि ये सही नहीं है. तो आई कांट गिव यू एडवाइस कि आप ऐसी चीजें बोले जिसकी वजह से आपका स्कूल आपको परेशानी करेगा, पर आप कुछ चीजें तो बता सकते हैं जैसे आपने बोला कि ऐसे जॉइंट फैमिली के बारे में या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बता सकते हैं कि यह एक नजरिया है पर कुछ लोग यह सोचते हैं. तो आप एटलीस्ट पुट बोथ द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, फिर वो अपना निर्णय ले सकते हैं, एटलीस्ट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वो सोच पाएंगे. नहीं तो ऐसा होता है कि हम एक ही चीज सुनते हैं और उसी को फॉलो करते हैं. एटलीस्ट अपनी तरफ से आप दोनों चीजें अपने स्टूडेंट्स के सामने रखिए, फिर वो खुद अपना निर्णय ले सकते हैं. जी माता जी, ओके, थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्णा माता जी. जी हरे कृष्णा माता जी. माता जी मेरा एक प्रश्न है. जैसे कि हम आपने बताया कि कर्दम मुनि ने 10,000 ईयर्स तक तपस्या की, और जो देव होती हैं वो तो अभी यंग ही होंगी, तो उनका एज डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है इस तरह से. लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि सर्विस करने के लिए वाइफ की एज जो है कंपैटिबल होनी चाहिए हस्बैंड से, इक्वल इन एज एंड करेक्टर. तो इसको फिर हम देखें तो ये तो एज में काफी डिफरेंस नहीं लग रहा वो 10,000. हाँ, नहीं नहीं, ये सत्ययुग की बात है, तो तब तो बहुत बहुत साल रहते थे. तो जब वो तपस्या कर रहे थे हो सकता है देवहूति भी मतलब थी, ऐसा नहीं है कि वो तपस्या कर रहे थे और जब उनकी तपस्या खत्म हुई तभी उनका जन्म हुआ और वो बहुत ही यंग थी, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सत्ययुग की बात है. दे यूज्ड टू लिव फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. तो पर इक्वल का यह मतलब नहीं है कि एकदम द सेम ईयर बॉर्न इन द सेम ईयर. जैसे मैंने कहा इक्वल का मतलब है कि सामान्य, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट वेरी डेफिनेटली नॉट ओल्डर और नॉट अ वेरी बिग गैप और वेरी लेस गैप, जो सूटेबल गैप. तो यहाँ पे इक्वल का मतलब है सूटेबल गैप. तो कलयुग में जहाँ 100 साल की उम्र मानी जाती है उसमें 5-8 साल का अंतर, उस युग में perhaps 8,000 साल का अंतर, I don't know. Okay. किस तरह से उम्र मेजर की जाती थी, we don't know. But something like that. According to the age. जी माता जी, आधुनिक युग में देखा जाए तो अभी जैसे हमारे डिवोटीज में भी जब उनको जब उन्होंने मैरिज के लिए लड़के को देखना होता है, तो मैं बहुत ज्यादा मैंने ऐसे देखा है कि वो लड़कियां जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल एज चाहती हैं. अगर 2 साल के डिफरेंस से ज्यादा डिफरेंस हो तो वो उसको ओल्ड समझती हैं. मेरे खुद के हस्बैंड का मेरे से डिफरेंस 8 ईयर्स का है, तो दे थिंक इट्स वेरी वेरी मच ह्यूज बिग डिफरेंस लाइक एनीथिंग. एंड दे और उनको बहुत अच्छे डिवोटी भी मिल जाए, अगर उनको ऑफर भी आ जाए बहुत अच्छे डिवोटी, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब 5-6 साल का डिफरेंस या 7-8 साल का डिफरेंस को भी वो बहुत मानती हैं और इस तरह से वो उस रिश्ते को ठुकरा देती हैं. तो आई मीन स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडियन साइड में देखें, पंजाब वाली साइड में देखें, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल इन एज डिवोटीज में भी ढूंढना चाहते हैं. तो क्या ये सही है माता जी? नहीं, आप अपने तजुर्बे से बताइए. देखिए, और ये तो वेल नोन फैक्ट है, कहा जाता है कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, है ना. तो वो अपने कक्षा में भी देखेंगी तो गर्ल्स जिस तरह से जिस लेवल पे बात कर रही है, बॉयज बिल्कुल ही यू नो बहुत इमेच्योर लगते हैं. तो इसलिए अगर वो 20-22 साल की हैं और उनके पति ओल्डर हैं तो उनको ऐसा लगेगा नहीं बातचीत करने में कि बहुत अंतर है. And as it is, when you're an adult, I mean, everybody is sort of similar. ऐसा तो नहीं है कि भाई जो 25 साल की लड़की है और 35 या 32 years की लड़की है उस पर बहुत फर्क है ना. तजुर्बे का फर्क हो सकता है, पर after a point when you mature, it's not so much different and it's suitable. अगर अंतर है भी तो वो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि तभी आप थोड़ा आदर सम्मान दे सकते हैं पति को. अगर बिल्कुल ही जो हम उम्र की वो देखते हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि मित्रता जैसा रिलेशनशिप हो, जो कि
एकदम सूटेबल नहीं है, जो हम अगले सेशन में देखेंगे कि दोनों चीजें जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इंटिमेसी नहीं हो पर रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा एज में अंतर हो तो दैट रिस्पेक्ट कम्स ऑटोमेटिकली। आपको लगता है कि दिस पर्सन हैज मोर एक्सपीरियंस देन मी, ही इज मोर सेंसिबल देन मी, तो थोड़ा आसान हो जाता है उनका निर्देश पालन करना। इस वजह से इट इज सूटेबल। और जो ये बातें समझनी चाहिए, बहुत आसान हो जाता है उनको रिस्पेक्ट करना, उनकी आज्ञा पालन करना, और उनके डिसीजंस भी हमारे से बहुत मैच्योर होते हैं हर चीज में। तो हाँ, थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि और वो प्रैक्टिकल भी है। जैसे आप अगर बच्चियों की जल्दी शादी करना चाहते हैं 18, 19, 20, तो तब आप ऐसा वर्ड ढूंढेंगे जो कि एटलीस्ट थोड़ा फाइनेंशियली सेटल्ड है, तो थोड़ा एज हो तभी पता चलेगा कि अब ये तो इस तरह से कंसिडरेशन होती है, क्योंकि लड़कियां स्वयं बहुत लेट विवाह करने का सोच रही हैं। पर अगर छोटी उम्र में आप करेंगे तो तब ऑटोमेटिकली वो एज गैप हो जाता है, क्योंकि 18-19 साल का लड़का तो बिल्कुल ही यू डू नॉट वांट टू मैरी सच अ पर्सन। यस माता जी, एक माता जी ने, कर्णिका माता जी ने, शी आस्क्ड दैट प्लीज टेल अस अबाउट योर मैरिज जर्नी सो वी कैन टेक इंस्पिरेशन। सॉरी, माय मैरिज व्हाट? Your marriage journey, so that we can take inspiration. Krishna, you will get inspiration about what not to do. क्योंकि हमारी तो arranged marriage नहीं थी, खाली the saving graces कि हम दोनों भक्ति में बहुत clear थे कि हमें भक्ति का मार्ग follow करना है, तो इस वजह से। पर क्या हुआ कि मैं प्रभु को मिली, तब मैं job में थी, प्रभु भी job कर रहे थे, पर दो तीन बारी मिलने के बाद उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैं बहुत शॉक थी, क्योंकि मैं उस संगति में थी जहां हम ये सब बातें सोचते नहीं थे। पर उन्होंने कहा कि एक तो हमारी क्योंकि हमारी जान पहचान हो गई है, अगर तुम चाहती हो तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने सिंसियर हैं भक्ति में और इतने सेंसिबल हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली कि तुरंत तुम्हें यहाँ छोड़ के अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। हम पुणे में थे और माता पिता दिल्ली में थे, तो क्योंकि उन्होंने बोला लड़की के लिए यह सही नहीं है कि वह अकेली रहे। तो फिर मैं लौट गई अपने माता पिता के घर, और हमने दोनों ने, प्रभु ने भी और मैंने अपने माता पिता को बताया कि ऐसे हैं, बिल्कुल डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, पर ये समझाया कि हम दोनों भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो हमारा मेन रीजन है। बोथ पेरेंट्स वर शॉक्ड बिकॉज उनको लगा कि ये तो भाई कोई फेज है, बच्चे ऐसे ही नादानी में बोल रहे हैं, और क्योंकि बैकग्राउंड अलग है उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा कि मुश्किल हो जाता है। फिर पर मान गए, क्योंकि मैंने ये भी बोला कि वेल क्वालिफाइड हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा बैकग्राउंड इन वन वे सिमिलर है कि दोनों दिल्ली के हैं। फिर शादी हो गई, फिर मुझे पता लगा कि एक्चुअली जो माता पिता बोलते हैं वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, क्योंकि मुझे काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, क्योंकि उनका रहन सहन बहुत अलग था। जस्ट बिकॉज मैं पंजाबी थी और वो महाराष्ट्रन थे, तो खाना पीना पूरा नजरिया अलग ही था। तो समय लगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पर मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि सिमिलर बैकग्राउंड ढूंढना, अगर हो सके तो अच्छा है। और ये हमारा तजुर्बा रहा कि अगर हम अपनी भक्ति में दृढ़ रहें तो छोटे मोटी जो बाकी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते पर हैंडल कर सकते हैं, किसी तरह हैंडल हो जाती है। और दूसरा तजुर्बा ये था कि हर लड़की के लिए पहले 2-3 साल कठिन होते हैं, अगर हम थोड़ा टॉलरेंट रहें तो उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है। और जब बच्चे आ जाते हैं तो सबके लिए बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है,
So that's another very nice thing as part of being married, having children. Jaise hamari our parents were mature. Once we got married, unhone kabhi aisa nahi hame jataya ki bhai intercaste marriage hai hamare marzi ke khilaf hui, aisa nahi. So they were quite nice that way. But these are practical things that I learned ke intercaste marriage mein dikkat hoti hai shuru mein. Other things are just be patient, be tolerant, it gets better. पर्सनल क्वेश्चन था लेकिन फिर भी आपने हमें एक्सप्रेस किया. I'm happy to share. Really, मैं तो बहुत बारी बोलती हूँ कि अगर भगवान की भक्ति नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ होती. इन सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ एंड स्पेशली माय मैरिड लाइफ. सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई डोंट माइंड शेयरिंग. जी माता जी, एक माता जी ने क्वेश्चन किया है कि रानी लक्ष्मीबाई और मणिकर्णिका जैसे लीडर्स थी तो क्या उस टाइम पे ये गलत था कि उनको ऐसे शोल्डर्स लाइफ में नहीं होना चाहिए था रानी लक्ष्मीबाई और मणिकर्णिका? मुझे एकदम बहुत क्लियर तो उनका बैकग्राउंड नहीं पता, बट वी डू अंडरस्टैंड के इमरजेंसी, जब एकदम इमरजेंसी होती है तो कई बारी शास्त्रों में कहा गया है कि एक मतलब वी कैन टेक ऑन द ड्यूटीज ऑफ अदर्स, है ना. तो जैसे अगर क्षत्रिया हैं वो वैश्य का कार्य संभाल सकते हैं या इस तरह से, जैसे ब्राह्मण हैं वो खेती कर सकते हैं, उनको अलाउड है. इट्स नॉट आइडियल. तो बात यह है कि अगर कोई और नहीं था और रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो वो बुरी बात नहीं है, पर हम ऐसा उनको आजकल दर्शाते हैं कि आइडियल एंड ऑल वुमेन शुड बी लाइक दैट. नो, दैट्स अनफॉर्चुनेट. एक्चुअली वो तो बहुत दुख की बात है कि कोई और नहीं था और उनको स्वयं लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा. तो हमें उसे प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखना है कि ठीक है, उन्होंने तो बहुत बहादुरी दिखाई, वो अच्छी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दैट इज आइडियल. That is unfortunate. Okay, that was a state of emergency. So, वो हमें समझना है कि किस, how to take such things. We admire such ladies, but we don't think that it's an ideal thing for a lady to do that. तो अगर हम देखते हैं कई बारी ऐसी स्थिति होती है कि business families होती हैं, पति अस्वस्थ हो जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है तो लेडी को बिजनेस संभालना पड़ता है, कई बार दुकान चलानी पड़ती है. तो हम क्रिटिसाइज नहीं करते इन माताओं को कि क्यों भाई दे आर आउट इन द ओपन, पुरुषों से डील कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है. तो हम वी एडमायर दैट, देखिए वो जैसे तैसे वो संभाल रही है, पर इट्स नॉट आइडियल. इट्स नॉट आइडियल एंड इट शुड नॉट बी you know made out to be ki wow bahut achhi baat hai aur sabko aisa hona chahiye aur jo log ghar mein baith ke apne kartavya nibha sakte un sabko bhi bahar aana chahiye kyunki dekho ye ladies kitna achha kar rahi hai. To hame proper perspective mein ye cheeze samajhni hai, that's all. Ji mata ji, theek hai. To mata ji yahan pe hum session एंड कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. वांछा का रूप है श्री कृपा से 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 श